भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो आपका आंसर है राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी पे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी पे स्थित है। देखिए, जो कालीबंगा की खोज थी वो 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष जी ने की थी। देखिए, जो इसका उत्खनन था वो 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो ये नाम से ही पता लग रहा है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। देखिए, पंजाबी में ये बंगा का अर्थ चूड़ियां है, तो इसलिए इसका पूरा अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। देखिए, कालीबंगा से ही अग्निकुंड और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपका आंसर है सेलखड़ी। जो सेलखड़ी पदार्थ है इसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। देखिए, जो इस युग के लोग थे उन्होंने पहली बार कांस्य का उपयोग किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। देखिए, जो कांसा है ये तांबे और टीन का मिश्रित धातु है। किसका? तांबे और टीन का। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, वो शुरू से ही व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? ग्रामीण थे कि शहरी थे कि खानाबदोश थे कि जनजातीय थे? तो आपका आंसर है शहरी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु का उत्पादन उन्होंने सबसे पहले किया था? तो आपका आंसर है कपास। जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था। देखिए, जब 1922 ईस्वी में राखल दास बैनर्जी जी ने जब मोहन जोदड़ो का उत्खनन करवाया था तो वहीं से उन्हें कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो जो कपास था ये भारत से यूनान भेजा गया था और जो फिर वहाँ के यूनानी लोग थे वो इसे हिंडन के नाम से पुकारने लगे। और देखिए, जो भारत में कपास की खेती थी वो लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका आंसर है दयाराम साहनी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय है वो दयाराम साहनी जी को जाता है। देखिए, जो दयाराम साहनी जी थे इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा स्थल है उसका उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। और ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? मोंटगोमरी जिले में। देखिए, जो ये हड़प्पा स्थल है ये दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज का जो श्रेय है वो भी दयाराम साहनी जी को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो आपका आंसर है लोथल। देखिए, जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो कि नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। देखिए, ये जो लोथल है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। देखिए, इसका जो उत्खनन था ये रंगनाथ राव जी ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1955 से 1962 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? तो आपका आंसर है लोथल में। देखिए, जो पैमाने की खोज थी वो लोथल में ही हुई थी। यहीं से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप और तोल से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपका आंसर है 1921 ईस्वी में। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा
वो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। उसका उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम सहनी जी ने करवाया था। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय है वो दयाराम सहनी जी को जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो भी 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सी युक्ति सही है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरम्भ किया, ये सही है। अगला है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, तो ये भी गलत है। तो आपको इसमें से क्या चुनना था कि कौन सी युक्ति सही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो आपका आंसर है उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपका आंसर है कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण था वो कालीबंगा से मिला है। और ये तो आपको बता ही दिया कि कालीबंगा का उत्खनन किन्होंने करवाया था। तो कालीबंगा का जो उत्खनन था वो बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1953 ईस्वी में करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में कहाँ पे स्थित है? तो सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है ये। और ये सिंध प्रांत कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। और इसका उत्खनन किन्होंने करवाया था? तो राखलदास बैनर्जी ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1922 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आपका आंसर है मोहनजोदड़ो में। देखिए, मोहनजोदड़ो से ही महान स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका आंसर है आद्य शिव। देखिए, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उसमें आद्य शिव के समतुल्य का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये आपको बता दिया है पीछे क्वेश्चन में। तो आपका आंसर है लोथल। तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन किन्होंने करवाया था ये भी आपको बता दिया गया है। और कब करवाया था ये भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो आपका आंसर है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो स्थल है उसे मृतकों का टीला और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो ये भी आपको बता दिया गया है। तो कौन सा था? हड़प्पा। कब खोजा गया था ये? 1921 ईस्वी में। इसका उत्खनन किन्होंने करवाया था? तो दयाराम सहनी जी ने करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो आपका आंसर है धोलावीरा में। देखिए, धोलावीरा से ही पता चलता है कि जो वहाँ पे जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। जो धोलावीरा के लोग थे वो एक अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली से परिचित थे। देखिए, जो यहाँ के लोग थे ये वर्षा के समय में बहुत ही सारा जल इकट्ठा कर लेते थे और वो जब सूखा पड़ता था तब वो उसका यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका आंसर है लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता लाल रंग का उपयोग हुआ था। देखिए, मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए यहाँ पे मिट्टी में रेत का उपयोग किया जाता था और जब इन बर्तनों को पकाया जाता था तो वो हल्के लाल रंग के हो जाते थे और फिर इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और इसके निचले हिस्से में काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। तो ज्यादातर इन मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए, जो हमारा इतिहास है ये तीन भागों में है, प्रोग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रोग ऐतिहासिक काल में तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल था इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं लेकिन जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पढ़े जा सके हैं। तो जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आपका आंसर है मोहनजोदड़ो से। देखिए, मोहनजोदड़ो से ही घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो नगर था यहाँ के सभी घरों में कुएं, स्नानागार और शौचालय बने हुए थे।
देखिए यहाँ पे पानी के निकास के लिए जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, और ये तो आपको बता ही दिया है। इसका उत्खनन किन्होंने करवाया था? तो राखलदास बनर्जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1922 ईस्वी में कराया था। और ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वो कौन से दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो आपका आंसर है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। के दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा स्थल है उसका उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में, और राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो आपका आंसर है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपका आंसर है सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, और राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आपका आंसर है बैल। जो बैल की आकृति है वो मोहर पर मिली है, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उनके बीच व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। तो आपका आंसर है मातृशक्ति में। अगर आपने हमारे इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्राचीन भारत, उसमें ये क्वेश्चन है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर है दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, और दैमाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका आंसर है लोहे की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए जो तांबा, स्वर्ण, चांदी, कांसा और भी जो धातुएं हैं वो सब तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो लोहे की प्राप्ति है वो हड़प्पा से नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा कालीन के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए जो लोह धातु थी इसकी जो प्राप्ति हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी उसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका आंसर है शेर। बाकी जो पशु हैं इनके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो शेर है इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैरे आर्य थी क्योंकि? तो आपका आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो गैरे आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी जूते हुए खेत की खोज? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। लोथल गुजरात में है, हाँ ये भी सही है। कहाँ पे है गुजरात में? अहमदाबाद जिले में है। कालीबंगा हरियाणा में है, ये गलत है। अभी हमने आपको बताया ना कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। रोपड़ पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें से क्या चूज करना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर है कालीबंगा, जो कि हरियाणा में नहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो आपका आंसर है J.H. मैके ने। देखिए जो चिन्हुदड़ो की खोज थी ये 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने? गोपाल मजूमदार ने की थी। लेकिन जो इसका उत्खनन था वो 1935 ईस्वी में J.H. मैके ने करवाया था। और ये चिन्हुदड़ो कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखिए जो कालीबंगन है ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, रोपड़ भी संबंधित है, पाटलिपुत्र ये संबंधित नहीं है, और लोथल ये भी संबंधित है। तो जो ये पाटलिपुत्र स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये पाटलिपुत्र महाजनपदकालीन एक प्रमुख नगर है, महाजनपदकालीन प्रमुख नगर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
देखिए हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम सानी जी ने की थी, ये भी सही है। लोथल की खोज एसआर राव जी ने की थी, ये भी सही है, मतलब कि रंगनाथ राव जी ने। सुरकोटरा की खोज जेपी जोशी ने की थी, ये भी सही है, मतलब कि जगपत जोशी जी ने। धोलावीरा की खोज बीके थापर ने की थी, तो ये गलत है। धोलावीरा की खोज आरएस विष्ट ने की थी, मतलब कि रविंदर सिंह विष्ट। देखिए जो धोलावीरा का उत्खनन था वो रविंदर सिंह विष्ट ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1990 से 1991 ईस्वी में करवाया था। और ये धोलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो आपका आंसर है लोथल में। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी ये भारत की प्राचीन सभ्यता थी, ये तो आपको पता ही है। देखिए जो हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना है वो लोथल से मिला है, और ये लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर है धोलावीरा। देखिए जो धोलावीरा नगर है ये तीन नगरों में बंटा हुआ है, कौन कौन से नगर है? तो पहला है किला नगर, दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। और ये तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर है चौड़ी और सीधी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है, तो आपका आंसर है ग्रेट ग्रैनरी, मतलब अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @gov.nokri लिख के सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।